अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे। उसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा था। अब हम हमारा न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पहले ज़मानों के अंदर मास को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते थे, और इस दौर के अंदर ये जो न्यू दौर आया है इसमें कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हैं मास को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पोर्ट्स वर यूज टू मेजर ग्रेन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स। यानी कि वो कहता है पहले जमानों के अंदर जो पोर्ट्स थे, किसी भी दानों को जो है उनको मेजर करने के लिए, उनका मास मेजर करने के लिए पोर्ट्स को यूज किया जाता था। लेकिन वो कहता है हाउएवर बैलेंसेस वर आल्सो यूज्ड बाय ग्रीक एंड रोमन्स। लेकिन जो ग्रीक्स थे और रोमन्स थे ये क्या करते थे, ये बैलेंसेस भी यूज करते थे उन्हीं दिनों के अंदर। बीम्स बैलेंसेस आर स्टिल इन यूज एट मेनी प्लेसेस। जो बीम बैलेंस है वो भी आज के जमाने में भी, यानी कि ये पहले जमाने का इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन आज के दौर में भी काफी जगहों पर ये जो है इस्तेमाल किया जाता है। बीम बैलेंसेस कौन से होते हैं? बीम बैलेंस की एक यहां पे मैं एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। मतलब ये इसका एक पैन है और ये वाला उसका दूसरा पैन है, और यहां पे कुछ इस तरह से इसके रस्सी लगी होती है, इसी तरह से यहां पे होती है, और इसको यहां पे एक बैलेंस बीम बैलेंसेस के साथ जोड़ा गया होता है। इसको हम क्या कहते हैं? बीम बैलेंसेस कहते हैं। ये हम पढ़ते हैं ये काम किस तरह से करता है। कहता है इन बीम बैलेंसेस द अननोन मास इज प्लेस्ड इन वन पैन। जो हमारे पास कोई भी अननोन मास है जिसका हमें नहीं पता, वो हमने एक पैन के अंदर रख देना है। उसके बाद क्या करना है? इट इज बैलेंस्ड बाय पुटिंग द नोन मास इन द अदर पैन। हमने यहां पे क्या रखा था? अननोन बैलेंसेस रखा था जिसके बारे में हमें नहीं पता था कि इसका बैलेंस कितना है। अब हमने नोन बैलेंस, जो कि हमें जानते हैं कि ये बैलेंस इतना है, इसका इतना वेट है, वो हम एक साइड पे रख देंगे दूसरे पैन के अंदर। जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे, जब ये जो बीम है ये बराबर होगी, तो हमें ये नोन मास है और ये अननोन मास था जो इस नोन मास के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, तो इसका हमें पता चल जाएगा कि ये कितने मास का है। कहता है टुडे पीपल यूज मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंसेस। यानी कि आज के जमाने के अंदर बहुत ज्यादा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। यू माइट हैव सीन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस इन स्वीट एंड ग्रोसरी शॉप्स। हम अगर किसी भी स्वीट की शॉप पे जाएं, मतलब किसी भी बेकरी पे जाएं, तो वहां पे हमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंसेज हैं वही देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? वो कहते हैं दीज आर मोर प्रिसाइज देन बीम बैलेंसेज एंड आर इजी टू हैंडल। वो कहता है ये जो इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंसेज है ये काफी हद तक जो है बी बैलेंसेज से बहुत ज्यादा हद तक जो है एक्यूरेट भी हैं, और इनको हैंडल करना भी बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिजिकल बैलेंस के। फिजिकल बैलेंस क्या चीज है? अ फिजिकल बैलेंस इज यूज इन लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपेरिजन। फिजिकल बैलेंस जो है ये लेबोरेटरी के अंदर यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? कि इसको वेरियस जो है ऑब्जेक्ट का मास मालूम करने के लिए किया जाता है, और वेरियस जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास किस तरह से मालूम होता है? बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन करने से हमें उनके मास का अंदाजा होता है कि ये कितना मास है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ अ फल्क्रम। यानी कि इसके दरमियान के अंदर जिस तरह से ये है, ये भी कुछ भी, ये फिजिकल बैलेंस जो है एक बिल्कुल इसी शेप का है, लेकिन वो इससे हटके है। यानी कि उसके यहाँ पे क्या है? बीम लगी होती है और यहाँ पे एक फिल्क्रम होता है, फिल्क्रम के ऊपर वो रेस्ट किए होता है, लेकिन ये जो उसके ये बैंड्स हैं ये बहुत ही, यानी कि
हटके हैं इससे, बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए होते हैं वो वाले बैंड्स पेंस। उसके अंदर अब क्या कहता है, कहता है द बीम कंसिस्ट कैरीज स्केल पेंस ओवर द हुक्स ऑफ आइदर साइड्स, यानी कि ये जो बीम होती है इसकी दोनों साइड के ऊपर क्या होते हैं, पेंस होते हैं। ओके, अननोन मास इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पेन। जब हम अननोन मास फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मेरे वाली लेफ्ट जो है ये वाली है, इस साइड पे हम क्या करेंगे, एक अननोन मास रखेंगे, फाइंड सम सूटेबल स्टैंडर्ड मास दैट कॉज द पॉइंटर्स टू रिमेन एट जीरो ऑन राइजिंग बीम। जब बीम राइजिंग होगी तो उस वक्त हमने कोई ऐसा मास जो है वो देखना है, स्टैंडर्ड मास फाइंड आउट करना है, सूटेबल जो हो उससे क्या होगा, उससे हमने देखना है कि ये जो पॉइंटर था वो अपनी जीरो पोजीशन के ऊपर कायम रहे। कब कायम रहे, जब ये जो हमारे पास बीम है ये राइज करे। इसी तरह से लेफ्ट, ये हमने लेफ्ट पैन के लिए किया था और इसी तरह से राइट पैन के लिए भी करेंगे, और दोनों का कंपैरिजन जब करेंगे तो हमें किसी भी जिस भी चीज़ का हम मास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो हमारे पास आसानी से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ में जो चैनल है फिजिक्स जेनिक्स इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक बहुत ही आसानी के साथ पहुँच सकें।